हाँ हाँ सर सर आप जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं क्या क्या आपका वहाँ दिल्ली जा रहे हैं। देखिए चुनाव की व्यस्तता से थोड़ा निश्चिंतता आई है, जो परिणाम आए हैं उसके लिए हमने देश की जनता को धन्यवाद दिया है और कहा है कि आपके निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है आगे की राजनीति किस तरह से चले इस पर महागठबंधन और यूपीए के जो दूसरे नेता हैं सब लोगों से विमर्श करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हार को कैसे देखते हैं सर, ये इतनी बड़ी हार हुई है, आप अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। देखिए कोई एक सीट बचाने की बात नहीं है, जनता का जो निर्णय है हमने उसका सम्मान किया है, हम समीक्षा करेंगे दूसरे साथियों के साथ बैठकर, महागठबंधन के दूसरे नेताओं के साथ बैठकर कि कहाँ हम लोगों की तैयारी में कमी रह गई जिस वजह से इस तरह का परिणाम आया है, समीक्षा करेंगे फिर हम आपको भी बताएंगे। क्या जात और आगे की स्टेटमेंट, क्या जात पात धर्म मजहब की जो राजनीति जो चल रही थी लगातार उसका असर पड़ा है? देखिए हमने कहा कि हम फिलहाल जब तक समीक्षा नहीं करेंगे तब तक हम ठीक से चीज़ों को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि कई तरह की बात आ रही है उसमें देखना पड़ेगा कि सच में हुआ क्या है। कई लोग मशीन के बारे में भी कहते हैं, कुछ लोग बाकी वोट किसने दिया नहीं दिया इसकी भी बात करते हैं, कुछ लोग मुद्दों की भी बात करते हैं, लेकिन असल में है क्या जब तक बैठेंगे नहीं समीक्षा नहीं मशीनें तब तक बताना संभव नहीं। जो बंटवारा हुआ था क्या ये कारण है जो हमने कहा कि भैया कारण का विश्लेषण हमने अभी नहीं किया है, कई कारण इसके हो सकते हैं, कई कारणों के बारे में लोग चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम बैठेंगे नहीं चीज़ों को देखेंगे नहीं, रिजल्ट शीट को सामने रखेंगे जो चर्चाएं हो रही है उसको सामने रखेंगे और उसके आधार पर विश्लेषण करेंगे कि कहाँ चूक हुई क्या हुआ फिर हम आपको शेयर करेंगे। सर एक बात आप कह रहे थे कि अभी आपने कहा कि मशीन और हर चीज़ जब आप जीतते हैं तब मशीन ठीक हो जाती है, जब हारते हैं तो खराब हो जाती है। बिना मतलब विस्तार क्यों, हमने मशीन पर दोष आरोपण नहीं किया, हमने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं अलग अलग तरह की बातें आ रही है, हम इन तमाम चीज़ों पर बैठकर देखेंगे उसके बाद बताएंगे आपको। हमने तो यह नहीं कहा अभी ये निष्कर्ष रूप में कि मशीन की खराबी के चलते मशीन की गड़बड़ी के मशीन चलते की बात कही थी, मशीन की बात कही पूरा देख लीजिए हमने क्या कहा। आप लोग कृपा करके जनतंत्र के चौथे स्तंभ है, बात जितनी कही जाए अर्थ उतना ही लगाइए, जो बात नहीं कही जाए वो अर्थ मत लगाइए। हमने यही कहा, मैं उसको दोहरा देता हूँ, बाकी दूसरे लोग भी हैं मीडिया के सज्जन, मैंने इतना ही कहा है कि कई लोग मशीन के बारे में कह रहे हैं, कई लोग वोट किसने दिया नहीं दिया उसके बारे में कह रहे हैं, कई लोग मुद्दों के बारे में कह रहे हैं, तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे महागठबंधन के दूसरे नेताओं के साथ अपने साथियों के साथ, फिर हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे आपको शेयर करेंगे। इसमें हमने कहां कोई निष्कर्ष की बात कह दी। आपने एक बात कही थी कि हथियार उठाना पड़ा तो हथियार उठाएंगे कि जिस तरह से आशंका की जा रही है और लोगों के बीच चर्चा है कि जो रिजल्ट है उसको प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी, अगर प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी तो जनता आक्रोशित है, जनता में आक्रोश बढ़ेगा और लोग हथियार भी उठा सकते हैं, यह हमने कहा था, उस बात पर हम आज भी कायम है। लेकिन हमने यह नहीं कहा था कि खामखा हार जाएंगे, जनता हरा देगी तो भी हम हथियार उठाने वाले हैं, ऐसा हमने कभी नहीं कहा था। हमने कहा था कि कोई हमारे वोट को लूटने का प्रयास करेगा तो उसके लिए जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे, हमने यह कहा था। रामचंद्र यादव ने तो हथियार उठा लिया था आपके कहने पर, अब रामचंद्र जी से पूछिए, रामचंद्र जी न तो और कह रहे थे भैया महागठबंधन में किसी पार्टी के नेता रामचंद्र यादव जी नहीं हैं, इसलिए उनकी बातों के लिए उनको पूछना पड़ेगा, हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जी अगर कहें तो हम हथियार उठा लेंगे और दिखा देंगे, पूरी सारी चीजें कही थी उन्होंने। भैया उपेंद्र कुशवाहा जी कोई हथियार चलाने वालों टीम का जो गैंग होता है उसका नेतृत्व थोड़े कर रहे हैं, जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, तो जनता के अनुसार हम लोगों को चलना है। हाँ जहाँ हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा को लूटने की कोशिश होगी वहाँ हम चुप नहीं बैठेंगे, यह हमने कहा है और आज भी कह रहे हैं, बाकी रामचंद्र जी ने क्या कहा उसका जवाब वही दे पाएंगे। तो क्या अब आप ये जब जीत के बाद बधाई दे रहे हैं एनडीओ को? हमने बधाई दे दी है, इसमें क्या दिक्कत भाई, जनता का निर्णय सर आंखों पर, जनता ने जो फैसला लिया उसका हम सम्मान करते हैं और जिन लोगों को जनता ने जिताया उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं। अब एनडीए के लोग यहाँ से जीत कर गए हैं, नीतीश कुमार जी बार बार स्पेशल स्टेटस की बात करते रहे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसकी बात करते रहे हैं, अब सरकार में यही लोग वहाँ होंगे, चले गए हैं लोग, तो सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का काम करें,
गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई का इंतजाम करें, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं है गरीबों के लिए, इसका इंतजाम करें। नौजवान लोग रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं, किसान समस्याओं से पीड़ित है, तो इन समस्याओं का निराकरण करें। अब जो दिल्ली में भी इनकी सरकार है और पटना में भी सरकार है तो करें, और नहीं करेंगे तो हम लोग विपक्ष की भूमिका में हैं रहेंगे, और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहते हुए आगे की लड़ाई को भी लड़ेंगे।